ये है हमारा एक लड्डू, ईरानी लड्डू बोला जाता है इसको। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं आपके, अच्छा काजू है, बादाम है, शुआरा है, नारियल है, और किशमिश है, और क्या बोलते हैं इसको, खसखस है, पिस्ता है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके, डीप फ्राई करके, उसके बाद में इसको शहद के अंदर मिलाया जाता है। अच्छा शहद के अंदर इसके मतलब अंदर चीनी ना तो वगैरह। आपका चीनी का कोई भी कंटेंट होगा और ना इसके अंदर घी का यूज़ भी होगा। बस जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर, उसको घी में डीप फ्राई किया जाता है एक बार के लिए, उस बाद में अच्छा इसका कोई यूज़ नहीं घी में। ईरानी लड्डू है ईरानी ये, लड्डू देख बोल दो, सकते हो ड्राई भाई, फ्रूट लड्डू बोल दो, ये ड्राई फ्रूट लड्डू बोल दो, चीज को ईरानी लड्डू बोल दो, इसके अंदर देख आप सकते ये हो। एक लड्डू खा लोगे ना, मतलब यूं हो जाएगा कि भाई आपको जितने प्रोटीन्स, जितने कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, पूरी हो पूरी चुकी। हो जाएगी हाँ, एक लड्डू से आपका पेट काफी अच्छे से भर ये सकता देख है। सकते हो। भाई साहब गजर पाक, गिया की मिठाई, जो लोग की पसंद करे, जो गिया पसंद है उसकी मिठाई है ये, देख लो गुजिया, ड्राई फ्रूट के लड्डू, ईरानी लड्डू बोलते हैं। इसके अंदर चीनी का उपयोग नहीं होता, इसके अंदर शहद का प्रयोग होता, ड्राई फ्रूट शहद। ये खीर कदम खुआ की मिठाई है, अभी सर्दियां की जान, गोंद के लड्डू, और देख लो देसी बेसन के लड्डू, नारियल की बर्फी देख सको, ये डोडा, या देख सको डोडा बहुत घने लोग पसंद है, डोडा बर्फी गजा देख लो, हो काजू कतली, काजू कतली तो भाई बहुत घने लोग की शान और जान है भाई। ये देख लो खुआ रोल, ऊपर से अंदर तो इसके थोड़े इंग्रेडिएंट वो उसके डाल दिए, ड्राई फ्रूट वगैरह के डाल दिए, और ऊपर खुआ, इस जो फ्रूट बर्फी है इससे की भाई लगा लो, भाई और भाई दोनों लगभग एक सी हैं। या देख लो इमरती, या भी पंडिता तो बहुत घनी पसंद है इमरती, और पनीर की जलेबी तो भाई खेच कर ले हैं, और केसर की बर्फी का तो कहना है कि भाई दूध के साथ में केसर की बर्फी लो और जी सा लो। या देख लो सिकाई बर्फी, सिकाई बर्फी का है जो खो वाली जो मिठाई है उसकी थोड़ी सिकाई ज्यादा करके इसने सिकाई की बर्फी कर दे है, या भाई पनीर की जलेबी गजब है, यह है थोड़ी कम सिकाई की बर्फी, जिन्हें नॉर्मल भाषा में बोलना है बर्फी। ये देख लो बात करा सफेद पेड़ा की, और सफेद पेड़ा जो है एक कलर का नहीं दो कलर का है, एक तो थोड़ा सफेद और एक दूसरा थोड़ा सिकाई में, यो देख सको ब्राउन कलर का है, थोड़ा अलग हो जाएगा यो। अरे ये दिल खुशहाल कह के मांगा यार भाई साहब, दिल खुशहाल फोन आया अगर स्पेशल इंदौर है, मैं दिल खुशहाल मिठाई ले दो, और बुरादा के लड्डू तो भाई कितने ले जाओ ना, तो ब्रश टपकने का डर ना, कितना सूखा डब्बा में डालो किसी डाल दो कलर में, चपतने से गाल दो और निपटा दो। ले भाई हमने लिया है चरखी दादरी की दिल खुश मिठाई के ऊपर, यानी कि मिठाइयां दुकान का नाम में काफी है मदन स्वीट्स, जो कि अपनी चरखी दादरी हीरा चौक के अंदर में है भाई साहब। उरे की मिठाई का कोई तोड़ नहीं भाई साहब, गर्मिया के लो चाहे सर्दिया के लो कोई तोड़ नहीं, और मिठाई तुमने 50 तो ऊपर मिठाई दिखा दूंगा लगभग मैं, जो कि बेहतरीन है, एक एक चीज तुमने बारीकी दिखाऊंगा, तसल्ली देखियो तुम, चलो चलना है। लिया है भाई, क्या हाल विकास भाई? जी कैसे हो भाई? बढ़िया बिल्कुल बढ़िया। आज कैसे बता रहे हैं भाई? आगे भाई सर्दी का टाइम है, और सर्दियों के लिए बिल्कुल बोलते हैं ना उसको देसी भाषा में गच, गच गच आइटम दिखा दो सर्दियों के लिए। तो गच आइटम में तो सर्दियों में एक ही चीज चलता है, सर्दियों में चलता है गाजर पाक, सबसे बेस्ट। जो गाजर आते हैं ना उसको घिस के बनाया जाता है, दूध में उबाल के गाजर को, और फिर खोए में मिक्स करके उसको रेडी किया जाता है। आपने तो सुना ही होगा गाजर, बिल्कुल सुना के खा भी रखा है एक नंबर का। और जब हो अपने मदन स्वीट्स की दुकान है तो कहने की जरूरत ही नहीं है उसमें। तो ये है जी देखो गाजर पाक का बॉक्स, इसकी पैकिंग पीसेस में कटता है। ये देखो भाई गाजर, ये हमारे हरियाणा पंजाब राजस्थान की साइड में ज्यादा पॉपुलर होता है। काफी लोगों को तो पता भी नहीं गाजर पाक होता क्या। एक्चुअली वो गाजर पाक को एक गाजर के हलवे के रूप में समझते हैं, क्योंकि वो एक मैश्ड आइटम होता है वो। अच्छा ये है गाजर पाक, ये गाजर पाक है, और एक गाजर का हलवा भी है ना। गाजर का हलवा है, गाजर का हलवा तो नहीं बोलते जरा। अब बात करेंगे गाजर के हलवे की, ये तो हो गया गाजर पाक, और ये देख सकते हो सर्दियों के लिए सुबह और शाम दूध के साथ लो भाई साहब एक नंबर, मतलब आपको आनंद बिल्कुल प्राप्त होएगा। ये देखो भाई ये है, ये गाजर का हलवा ड्राई फ्रूट्स मिला के बना रखा है मैश्ड करके गाजर्स को। अच्छा, और ये गाजर का हलवा देसी घी में इतना फ्राई किया हुआ है ना, आपको खा के अलग ही आनंद आएगा। ये देखो भाई साहब ये तो गाजर का हलवा हो गया अपना, देखो मतलब खा के खाने से पहले मुंह के अंदर लार आ जाएगी आपके। और ये एक चीज और बताता हूँ आपको, बिल्कुल गोंद का लड्डू हर किसी के घर में, हर किसी की शॉप पे कभी ना कभी आपने खाया ही होगा, क्योंकि इसको घर में भी रेडी किया जा सकता है। और मैं आपको दिखाता हूँ गोंद का लड्डू, एक कुछ राधर हमने एक प्लेट रेडी की है उसमें ये है, देखो ये हमारा गोंद का लड्डू है। ये देखो भाई गोंद का लड्डू, ड्राई फ्रूट्स मिला के इसको बनाया रखा है। ये हमारा गाजर पाक है, सीजनल आइटम। ये है हमारा एक लड्डू, ईरानी लड्डू बोला जाता है इसको। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं आपके। अच्छा,
काजू है, बादाम है, शुआरा है, नारियल है और किशमिश है, और क्या बोलते हैं उसको, खसखस है, पिस्ता है। इन सब चीजों को मिक्स करके, डीप फ्राई करके, उसके बाद में इसको शहद के अंदर मिलाया जाता है। अच्छा, शहद के अंदर मतलब चीनी वगैरह? आपका चीनी का कोई भी कंटेंट होगा और ना इसके अंदर घी का यूज भी होगा, बट जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर, उसको घी में डीप फ्राई किया जाता है एक बार के लिए, उसके बाद में इसका कोई यूज नहीं घी में। ईरानी लड्डू है, ईरानी लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू बोल दो, ये ड्राई फ्रूट लड्डू बोल दो, चीज़ को ईरानी लड्डू बोल दो। इसके अंदर देखो आप, ये एक लड्डू खा लोगे ना, मतलब यूं हो जाएगा कि भाई आपको जितने प्रोटीन, जितने कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, पूरी हो जाएगी। एक लड्डू से आपका पेट काफी अच्छे से भर सकता है। ये देख सो राजा राम, एक एक आइटम और दिखा दे बाजी, जो कि अपना सर्दियों का गुलाब जामुन दिखाइए ना। हाँ, गुलाब जामुन दिखाओ, गुलाब जामुन की डिमांड इतनी ज्यादा होती है सर्दियों में। ये तो देखो गुलाब, ये गुलाब जामुन देख लो भाई, गर्मा गर्म। और भाई एक बात बता दूं आपको, अगर गाजर पाक खाना है ना तो नाम ही काफी है, मदन स्वीट्स का खा लो, नाम ही काफी है भाई। तो टाइम भी तो काफी हो गया ना, दो गाजर पाक देखे दो भाई। कितने साल से हो गए अपनी दुकान? भाई लगभग 60 साल के करीब हो गए। और बात करा पा तो और जो है काफी चीज खाते, एक एक करके दिखा दे, तो चलो करते हैं शुरुआत। भाई साहब गाजर पाक, सर्दियां गाजर पाक गजब, भाई साहब गजब, दोनों टाइम अपने दूध के साथ मिलो जी सा आ जाएगा। और खाली गाजर पाक को नहीं भाई साहब, बहुत गुणी मिठाई हो रहा है, गजब गजब की मिठाई है भाई, बिल्कुल फ्रेश मिठाई है। और नाम में काफी है भाई, ये देख लो घिया की मिठाई, जो लोग की पसंद करे, जो घिया पसंद करे उसकी मिठाई है, और गजब की मिठाई मिल जाएगी। या देख लो गुजिया, बहुत लोगों की पसंद हो जाएगा गुजिया, और आपने मिल जाएंगे गुजिया के साथ साथ। ये निचला डिपार्टमेंट था, बाद में दिखाऊंगा, पहला थोड़ा सा आपने इस साइड में दिखावा, ड्राई फ्रूट के लड्डू, ईरानी लड्डू बोलते हैं। इसके अंदर चीनी का उपयोग नहीं होता, इसके अंदर शहद का प्रयोग होता, ड्राई फ्रूट शहद, ड्राई फ्रूट में थोड़ा सेक के शहद डाल के, और गजब की एक लड्डू खा लो भाई साहब, समझ लो रोटी खा ली, देना पेट भर जाएगा। ये खीर कदम, ये खीर कदम खोआ की मिठाई है, या भी इसके अंदर भी थोड़े से इंग्रेडिएंट थोड़े अलग पड़े हैं। और यो तो भाई कहने की जरूरत को नहीं है, तो अपने सर्दियां की जान गोंद के लड्डू, और बहुत घने लोग इन्हें खाते भी हों गोंद के लड्डू, गोंद के लड्डू तो भाई साहब सवेरे और शाम दोनों टाइम खेच के लो। ये देख लो देसी बेसन के लड्डू, जो नॉर्मल इसके अंदर अपने नॉर्मल घी में मिल जाएंगे, वैसे मिल जाएंगे देसी में मिल जाएंगे। नारियल की बर्फी देख को, यह भाई बेहतरीन है नारियल की बर्फी। और ये डोडा, यह देख सको डोडा, बहुत घने लोग पसंद है डोडा बर्फी, गजब की है गजब की। यह देख लो हो काजू कतली, काजू कतली तो भाई बहुत घने लोग सानर जान से भाई, नाम लेते मुंह पानी आ गया। काजू कतली तो भाई साहब मेरे ख्याल 99% लोग पसंद होगी, मेरे हिसाब में तो 100% भी उसके हैं। अरे देख लो खोआ रोल, ऊपर से अंदर तो इसका थोड़े इंग्रेडिएंट वो उसके डाल दिए, ड्राई फ्रूट वगैरह के डाल दिए, और ऊपर खोआ, इससे के भाई है, या ड्रूप जो फ्रूट बर्फी है इससे की भाई लगा लो, भाई और भाई दोनों लगभग एक सी है। या देख लो इमरती, यह भी पंडितान तो बहुत घनी पसंद है इमरती, और पनीर की जलेबी तो भाई खेच कर ले हैं अपा तो लिया है भाई। या देख लो भाई डोडा बर्फी भाई साहब गजब, और केसर की बर्फी का तो कहना है कि भाई दूध के साथ में केसर की बर्फी लो और जी सा लो। ये देख लो सिकाई बर्फी, सिकाई बर्फी का है जो खो वाली जो मिठाई है उसकी थोड़ी सिकाई ज्यादा करके इसने सिकाई की बर्फी करते हैं। और वह दूसरी बर्फी भी था दिखाऊंगा, जो नॉर्मल बिना सिकाई कम सिकाई की है, उससे पहले था पनीर की जलेबी देख लो, या भाई पनीर की जलेबी गजब है, ये जिस तरह मैं दिखाई है सिकाई बर्फी, यह है थोड़ी कम सिकाई की बर्फी, जिन्हें नॉर्मल भाषा में बोलना है बर्फी, या बर्फी नॉर्मल, या थर डोडा बर्फी मैंने थरते दिखाई थी। ये देख लो बात करा सफेद पेड़ा की, और सफेद पेड़ा जो है एक कलर का नहीं दो कलर का है, एक तो थोड़ा सफेद और एक दूसरा थोड़ा सिकाई में, यो देख इसको ब्राउन कलर का है, थोड़ा अलग हो जाएगा यो। अरे ये दिल खुशहाल कहकर मांगे यार भाई साहब, दिल खुशहाल फोन आया अगर स्पेशल इंदौर है, मैं दिल खुशहाल मिठाई ले दो। और बुरादा के लड्डू तो भाई कितने ले जाओ, ना तो ब्रश टपकने का डर, ना कितना सुखा डब्बा में डालो, किसे डाल दो कलर में चपतने से गाल दो और निपटा दो भाई, गजब की मिठाई जल्दी से खराब भी ना। और यह देख लो भाई सर्दियां की जान, यो भी भाई उसकी बाणे गाजर पाकी बाणे गजरेला बाण लगा लो, चिबाई लगा लो, यह बेहतरीन मिठाई है इसकी भी। और यो भाई गर्मा गर्म गुलाब जामुन किसे टाइम खाओ जी सा लो, ये दो कलर में मिल जाए, थोड़ी सिकाई ज्यादा हो जाए, और ये थोड़ी सी गर्मियां की मिठाई है क्योंकि ठंडी कर खाने में ज्यादा मजा है, सर्दियां में जो है थोड़ा ठंडा कम पसंद आओ लोगों ने, इसलिए गर्मियां की मिठाई है। वैसे लोग सर्दियों में भी खावा गर्मियों में भी खावा, ये स्पंज के मिल जाएंगे तुमने, और ये चमचम बोलया करते बालक, चमचम स्पंज वाले चमचम। और यो बात करा छीणा, हम तो बोलया करते ना छीणा मुर्गी, पहले
ये छोटे अपने रसगुल्ले, छोटे रसगुल्ले, जब गणे बंदे हो ना तो थोड़े छोटे रसगुल्ले ले ले, सारा निपटा दे, सारे निपट जा। अरे देख लो जोधपुरी लड्डू, जोधपुरी लड्डू के है भाई साहब, सबसे ज्यादा स्वामणी में जोधपुरी लड्डू यूज हुआ। चलो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बोले शंकर भगवान की जय। चलो ओके, ओके भाई, ओके।